पोस्टर का बहुत ज्यादा सीन है, जैसे हैप्पी बर्थडे सीएम सर को विजयवाड़ा के पहाड़। और भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, और इस टेम्पल का आर्किटेक्चर काफी सुंदर सा है। साउथ इंडिया में मिलता है भज्जी। वो जो लड़की है मेरे साथ स्कैम कर रही थी। ये रिवर इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। कनक दुर्गा माता के ऊपर ये बनाया गया ये टेम्पल। गुड मॉर्निंग, तो आज डेट हो रहा है 25 दिसंबर एंड टुडे इज माय फोर्थ डे घर से निकले हुए, एंड या मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज 25 दिसंबर है, तो अभी मैं फिलहाल विजयवाड़ा में हूँ एंड आज विजयवाड़ा को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आपको विजयवाड़ा घुमाने वाला हूँ एंड उसके बाद फिर चेन्नई भी निकलना है। चेन्नई यहाँ से बहुत दूर है, मीन्स 450 अप्रॉक्स है, समथिंग 450 समथिंग है, मुझे मैप में देखना पड़ेगा टोटल कितना किलोमीटर है। तो जल्दी से विजयवाड़ा एक्सप्लोर करके फिर निकलना पड़ेगा। अभी टाइम हो चुका है 7:46, कल रात को लेट से पहुँचे, सोते सोते लगभग 2 बज गया, इसीलिए आज उठने में लेट हो गया एंड टाइम भी लेट हो गया। तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से एंड विजयवाड़ा एक्सप्लोर कराते हैं। हाँ चेन्नई, या दिस रूट, या ओके ओके, थैंक यू अंकल। अंकल को हिंदी समझ नहीं आता तो इंग्लिश समझ नहीं आता, बट फिर भी बात हो जाता है। यहाँ पे ले लेते हैं, मुझे 8 लीटर अभी पेट्रोल लेना है। 8 लीटर क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आफ्टर 398 किलोमीटर में तमिलनाडु इंटर कर जाऊँगा, 398 टू 400 और 420 किलोमीटर, तो तमिलनाडु इंटर करने तक मुझे पेट्रोल रखना है, क्योंकि तमिलनाडु में एक सस्ता है पेट्रोल, लगभग 103 रुपये के आसपास चल रहा और यहाँ पे 111 रुपया है आज पेट्रोल का रेट। चलो मैप सही से मीन सारा लोकेशन का स्टॉप डालते डालते जितना भी जगह विजयवाड़ा में घूमना है वो सारे लोकेशन का स्टॉप डालते डालते मैप 8:06 हो चुका है टाइम। और सबसे पहले हम चल रहे श्री रामलिंगेश्वर वारी देवस्थान, और विजयवाड़ा में जितना भी घूमने का जगह है उसमें से मेनली मोस्ट ऑफ देम टेम्पल्स ही है, तो घूमते हैं। और यहाँ से रामलिंगेश्वर श्री रामलिंगेश्वर स्वामी वारी देवस्थान लगभग 6.3 किलोमीटर। और एक चीज़ मैंने देखा यार, इधर पोस्टर का बहुत ज़्यादा सीन है, जैसे हैप्पी बर्थडे सीएम सर, तो मैं कल रात से देखते हुए आ रहा हूँ कि ऐसे हैप्पी बर्थडे सीएम सर का बहुत ज़्यादा पोस्टर है बहुत जगह। और देखिए इधर भी, यहाँ पे सीएम से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं शायद। देखिए इधर भी, इधर हैप्पी बर्थडे सीएम सर, हैप्पी बर्थडे सीएम सर, इधर ऐसे पोस्टर का बहुत ज़्यादा परिचलन है। जैसे मैंने देखा स्टैचू भी बहुत जगह बना रहता, तो स्टैचू और बड़ा पोस्टर ये सब का बहुत ज़्यादा परिचलन है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे विजयवाड़ा में तो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ ये पोस्टर, सुबह सुबह खाली खाली विजयवाड़ा सिटी से निकल जाओ तो बढ़िया, नहीं तो फिर जाम में दिक्कत हो जाता है। लगभग 470 से 480 किलोमीटर कवर करना है मुझे चेन्नई तक, और साथ ही विजयवाड़ा घूमना भी है उसी बीच। और उधर देखो विजयवाड़ा के पहाड़, इधर भी पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। विजयवाड़ा से वो एक्टर का नाम याद आ जाता है, विजय देवकोंडा। तो ये है गेट श्री रामलिंगेश्वर स्वामी वारी देवस्थान का, ये टेंपल का गेट ये। और यहाँ पे भी पहाड़ के ऊपर आपको उठना पड़ेगा आने के लिए, तो मैं उठ रहा हूँ पहाड़ के ऊपर, छोटा सा हिल के ऊपर बसा हुआ है ये रामलिंगेश्वर स्वामी देवस्थान। तो यहाँ पे बाइक पार्क करते, और भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, पूरा विजयवाड़ा सिटी नज़र आता है एंड उधर कृष्णा रिवर है, और उधर कृष्णा रिवर का ब्रिज, ऑसम व्यू है। तो चलो यहाँ पे ऊपर चलते हैं। अब मुझे लगा था कि उधर पीछे में बाइक पार्क करना होता है, लेकिन नहीं, बाइक इधर ही पार्क कर सकते हैं अभी पता चला, तो बाइक इधर लेके आ रहे हैं। और इतना सारा बाइक यहाँ पे लगा हुआ है, ओ माय फेवरेट हिमालयन, वाओ। तो यहाँ पे श्री रामलिंगेश्वर स्वामी वारी देवस्थान में हम आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर में हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति है एंड इसके बाद इधर टेम्पल है, तो टेम्पल के अंदर चलते हैं। तो इस टेम्पल में हम आ चुके हैं, और इस टेम्पल का आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर सा है, काफ़ी बढ़िया सा आर्किटेक्चर से ये टेम्पल को बनाया गया है।
और यहाँ से पूरा विजयवाड़ा सिटी का क्या ही व्यू है, गजब। सो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सही सा, काफ़ी शांत सा माहौल था। आप अगर शांति का माहौल चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। एंड इसके बाद हम अपने अगली डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। बट अगली डेस्टिनेशन की ओर चलने से पहले मैंने कुछ जगह देखा कि लोकल फूड मिल रहा है, मींस खाना मिल रहा, तो इधर ही खा लेंगे, क्योंकि हाईवे पकड़ने के बाद फिर खाना मिलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, सही से खाना मिलना। तो इधर ही लोकल में लोकल साउथ इंडियन फूड भी सही से मिल जाएगा। विजयवाड़ा में भी, विजयवाड़ा सिटी में खाना कैसा है वो भी टेस्ट करके निकलेंगे। चलो तो, और यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक टाउन टर्न है भाई, बहुत ही ख़तरनाक अप से डाउन जाना पड़ेगा और डाउन से अप आए थे। देख टर्न देख रहे हो, हिंदी भैया, हिंदी हिंदी, ए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बज्जी बोलते हैं। और डोसा कितना करके, यहाँ पे डोसा कितना करके है, डोसा भी है। नहीं कितना करके पूछे, 20 रुपया। अच्छा, और ये कितना करके, 20 रुपये, सभी 20 रुपये। ये 20 रुपये में कितना, चार बज्जी। एक्चुअली यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होता है, मैं जमशेदपुर झारखंड। भज्जी भज्जी होता है, साउथ इंडिया में मिलता है भज्जी, तो पहले भज्जी टेस्ट करते हैं, देखते हैं। ये मालपुआ टाइप का, हम लोग जो मालपुआ बोलते हैं उस टाइप का ये थोड़ा सा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पफी है, तो टेस्ट गजब है। तो चलो भज्जी के बाद अब डोसा आ गया, यहाँ का डोसा कैसा लगता है, काफ़ी सही सा टेस्ट है यार। सो लेट्स गो, यहाँ पे भज्जी दो ठो और डोसा खा लिया मैंने। वो जो लड़की है मेरे साथ स्कैम कर रही थी, जो दे रही है खाना वो स्कैम कर रही थी मेरे साथ, लेकिन पकड़ा गई। कैसे स्कैम कर रही थी बताता हूँ, देख रही है कि बाहर का है, बाहर का आदमी है, लैंग्वेज आता नहीं है, चलो दाम बढ़ा के बोल देते हैं। वैसे फिर भी 5 रुपया ज़्यादा ही ली, लेकिन मेरे से लगभग 15-20 रुपये एक्स्ट्रा ले लेती। क्या हुआ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक आदमी से मैंने पूछा जिसको हिंदी आता था, कितना करके क्या है, तो उन्होंने बताया कि डोसा 20 करके और भज्जी 4 का 20 रुपया। तो फिर मैं उस लड़की को बोला कि एक डोसा और 2 भज्जी। पहले पूछा डोसा का दाम, उसने 25 बोला, मैंने कुछ नहीं कहा कि वो 20 रुपया है करके, छोड़ो 5 रुपया बोल रहे जाने दो। तो फिर उसके बाद सीन ये हुआ कि भज्जी मैंने 2 ठो लिया, फिर डोसा हो गया। उसके बाद जब पैसा देने की बारी आया तो बोलती है 45 रुपीज़। हम बोलते हैं अरे 45 रुपीज़ कैसे, तो बोलती है भाई डोसा 30, भज्जी नहीं डोसा 25 और भज्जी कितना 40 और 45 बोली, भज्जी 15 रुपीज़। और हम बोलते हैं 20 का तो 4 पीस मिलता है, बोलते हैं कि 15 का 2, 2 का 15। फिर एक तो लड़का सामने था हंसने लग गया उसका बात सुन के, तो उसी समय मेरे को समझ में आई है कि ये लड़की मेरे साथ स्कैम कर रही है। फिर हम बोलते हैं अच्छा ये स्कैम, मतलब बाहर का आदमी देखिए मतलब स्कैम करना शुरू। फिर बोलते हैं नहीं नहीं फिर 10 रुपया ये भज्जी 2 ठो का, फिर 35 ली। यार ऐसा मत करो, अभी तक इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, ऐसा मत करो। बहुत सियानी लड़की थी, लेकिन बहुत सियानी, मतलब अगर आप नहीं समझ पाओगे तो लूट लेगी। चलो अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम हो चुका 9:07 AM। अब ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा अपने बुक में स्कूल टाइम में।
तो इस रिवर के बारे में बताता हूँ, ये डेक्कन प्लेटू में ये रिवर सिचुएटेड है एंड ये रिवर इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा रिवर एंड गोदावरी रिवर। फर्स्ट गंगा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर, आफ्टर देन सेकेंड लॉन्गेस्ट गोदावरी रिवर एंड थर्ड लॉन्गेस्ट दिस वन इज कृष्णा रिवर। कल मैंने गोदावरी रिवर आपको दिखा रखा है एंड ये है कृष्णा रिवर। एंड कृष्णा रिवर जो है ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर के सामने ओरिजिनेट होता है जो कि महाराष्ट्र में है। और ये बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। और ये इस नदी में भी हर 12 साल में पुष्कर मेला आयोजन होता है जिसको पुष्करम मेला कहा जाता है इधर। और माना जाता है कि इस नदी में अगर आप स्नान करते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं, ये माना जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है कृष्णा रिवर, काफ़ी बड़ा सा रिवर। और ये जो मैंने थर्ड लॉन्गेस्ट बोला ये कृष्णा रिवर, ये अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर ये रिवर बहता है। चलो हम अपने थर्ड लोकेशन के सामने जस्ट पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा लोगों का भीड़। एक बहुत ही पवित्र मंदिर है और बहुत ही पुरानी मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, इसीलिए मीन्स लोगों का इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा। ए मंदिर, मंदिर टेम्पल, हाँ और रास्ता, अच्छा नो पार्किंग, ओके ओके थैंक यू अन्ना। अच्छा मैं इधर मंदिर उधर से दिख रहा था तो सीधा घुसा था मैप को फॉलो ना करके, तो फिर से मेरे को इधर से आना पड़ेगा। चलो चलो बढ़ा जाए बढ़ा जाए। ये रोड से अगर आप सीधा चल जाओ, ये ऊपर फ्लाईओवर जो हाईवे है ये हैदराबाद को कनेक्ट करता है, ये हाईवे से आप हैदराबाद पहुँच जाओगे। वहाँ पे टेंपल दिख रहा है कृष्णा रिवर साइड में, कृष्णा रिवर के साइड में बहुत ही पुराना टेंपल है, बहुत पुराना टेंपल। कौन सा टेंपल मैं आपको बताता हूँ, पहले अंदर चलते हैं। तो चलो हम मंदिर के गेट में जस्ट पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा जाम किस लिए भाई। रुक जा भैया, अन्ना 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 थम्बा अन्ना थम्बा थम्बा कीजिए। अच्छा उधर से उसको थोड़ा ना पता है कि मुझे तेलुगु नहीं आता है, मुझे तेलुगु और इधर आ इधर। और यहाँ पे मंदिर का गेट है तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। अरे हाउ मच, 10 नो तेलुगु, ओके थैंक यू अन्ना। चलो यहाँ पे मंदिर का वो अंदर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए आपको 10 rupees का टिकट पे करना पड़ेगा। एंड इधर से लोग पैदल जा रहे हैं, शायद इधर से भी पैदल रास्ता है, इधर कुछ बाइक रखा हुआ था एंड ऊपर जाने का भी शायद रास्ता है। और ये जो मंदिर है ये भी एक हिल पे बसा हुआ है और साइड में कृष्णा रिवर पूरा, ओ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं यहाँ पे टेंपल के घुसने के लिए लाइन होगा कि क्या होगा, पता नहीं। 1 hour later तो ये श्री दुर्गा महालेश्वर जो टेम्पल है यहाँ पे दर्शन हो गया लगभग लगभग 1 घंटा का, लगभग 1 घंटा का दर्शन लाइन में रुकने के बाद दर्शन हो गया। तो नीचे चल के आपको बाकी बताते हैं इस मंदिर के बारे में। तो आप पीछे जिस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसी टाइप का अंदर में स्ट्रक्चर है, आप फोटो देख लीजिए पहले। तो आपने ये फोटो देख लीजिए, ये देख लिया, ये एक आदमी फोन लेके गया था तो एक अन्ना फोन लेके गए थे तो मैंने उनसे पूछा फोन अला हुआ है, वो बोलते हैं आज चेकिंग नहीं है ला सकते हैं। तो लगभग 1 घंटा का लाइन में लगने के बाद, फ्री दर्शन लाइन में लगने के बाद हमारा दर्शन हुआ और उसके बाद हम दर्शन कर पाए। उसके बाद क्या क्या अंदर में वो बताता हूँ। अंदर में जो मेन टेम्पल है वो पूरा सोने का है, उसका भी फोटो आपने देखा थोड़ी देर पहले। तो मेन टेम्पल पूरा सोने का है एंड अंदर भी मतलब अंदर जो मूर्ति है वो भी पूरा सोना का है। और उसके साथ यहाँ पे भी घुसने का तीन चार तरीका है, एक फ्री दर्शन लाइन, दूसरा 100 rupees दर्शन लाइन, तीसरा 300 rupees दर्शन लाइन एंड फेरी VIP वो 500 rupees दर्शन लाइन। और ये जो टेम्पल है दुर्गा मलेश्वर टेम्पल, ये कनक दुर्गा माता के ऊपर ये बनाया गया। और ये जो टेम्पल ये इंदिरा किलाद्री हिल्स में लोकेटेड है, हिल्स के ऊपर है। और यहाँ पे नवरात्रि के टाइम लाखों
श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अभी भी हजारों हजारों में श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये जो रिवर, ये जो मंदिर है, ये कृष्णा रिवर के साइड में ये मंदिर सिचुएटेड है। कृष्णा रिवर जस्ट मेरे उस साइड में यहाँ से दिख रहा है। तो चलो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, थैंक यू टू दैट अन्ना जिन्होंने जो अपना फ़ोन लेके गया था एंड मेरा फोटो क्लिक कर दिया एंड व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट करके सेंड भी कर दिए। सो थैंक यू सो मच टू दैट अन्ना। अब इसके बाद आगे निकलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी बज चुका है 11:12, यानी कि चेन्नई पहुंचने में आज रात हो जाएगी, पता नहीं चेन्नई पहुंच पाएंगे कि नहीं। सो लेट्स गो।